आज की सहरी मैं आपको दिखा दूँ। मैं रात को खांसी खा कहते भाई जाके घर। मम्मा सहरी का क्या प्लान है? कुछ भी बना के खिला दो, ऐसा करो बाहर से मंगवा लो। ये आपकी भी शक्ल नहीं मेरी आंखों से भूलती जैसी। मैं बहुत प्यारी हूँ, आज तक गिरा ना देना। इसके अंदर ना फ्रूट भी है। ओए उसके बालों से झाड़ू फिर रही है यार, ये तुम लोग क्या कर रही हो? ये तुमने बनाया है? ये हाँ जी, मान ही नहीं सकते। ये ब्यूटीफुल डे, और आपको पता है कि इतने दिनों से मैं व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ लेकिन सहरी की रूटीन आपको नहीं दिखाई थी, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज की सहरी मैं आपको दिखा दूँ। अभी उठी हूँ मैंने अपना कुरान पाक मुकम्मल करने के लिए, आपको पता है मैंने वो भी चैलेंज किया हुआ है, मैंने वो भी पढ़ा है, और अब जो है वो मैं नीचे जाऊंगी, देखते हैं आज सहरी में क्या बनता है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि नीचे कोई भी ना सोया हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे घर पे मोमन समटाइम कुछ सो रहा था। मैं आज सो गई थी क्योंकि मैं कल बहुत ज्यादा थक गई थी। तो आज का मेरा क्या प्लान है वो आपको नीचे जाके पता चलेगा, सहरी में हम क्या खाते हैं वो सब आपको नीचे जाके पता लगेगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका इंतजार करें, एस्ट्रोलॉजी को अब भी सब्सक्राइब करें। तो अभी हम चलते हैं नीचे, लाइट शाइट करेंगे बंद। चलो जी, यहाँ कौन बैठा हुआ है? नहीं खा रहा। ये क्या रास्ते में रखा हुआ है आज? तो रास्ते में क्यों डुडू बी डुडू मिया, आई एम नॉट टीजिंग यू बेबी। सिस्ट्रोलॉजी में आज आप पहली बार आए हो, आई एम वेलकमिंग यू। ये फूल आपके खाने की चीज नहीं है मेरा बेटा, नहीं खाते क्या? कितना चलाक है ये, कैसे खा रहा है? सीटी मार सीटी। मजा। अच्छा सॉरी, जा रही हूँ मैं, बाय बाय। बहुत डराता है कभी कभी। नीचे तो प्रॉपर दिन चढ़ा हुआ है, कोई सोया ही नहीं। तुम आधी सोई भी आधी नहीं। तुम क्यों नाराज अपनी ऑडियंस से? एक बीमारी का व्लॉग ना लगने दिन, मुझे शुभकामनाएं नहीं दी किसी ने। अच्छा अच्छा, अभी भी तो अब तो तुम ठीक हो। मैंने कहा देखो जुकाम है, गला सर दर्द, गले में इसके जुकाम है और सर में इसके नाक है। लोगों को शिकायत लगाना चाहूंगी, मैं रात को खांसी खाई। कहते भाई जाके घरों खांसी भी वापिस आओ। जैनब तुम कितनी इनसेंसिटिव पर्सन हो। मम्मी को क्या हुआ? मम्मी भी ऐसे सो रही है और ये यहाँ बैठ के अपनी साइंस पढ़ रही है। मानो ये आपका पढ़ने का टाइम है। अब जाके याद आया कल तो मेरा एक असेसमेंट। तो मम्मा सहरी का क्या प्लान है? आज आप भी बनाए सैंडविच। मैं तब बनाती जब थोड़ा सा टाइम। कितनी बदतमीज़ हूँ, इसको मैं एनर्जी बन गई थी, इसने मेरा उतार कर। अच्छा तुमने तो मेरा आज तक कभी कोई ड्रेस ही नहीं ना पहना, ड्रामेबाज औरत। ये देखिए जो कपड़ा मुझे भी अच्छा लगता है वो पहनती है, बहुत तेज है। क्या तुम कौन हो? चार्ल्स की बेटी हो? मैं क्या करूँ सिस्टर। मैं कह रही हूँ कुछ भी बना के खिला दो तो खा लेंगे। रबे अगर जुकाम ना मेरे पास से बदतमीज, ये सबको ट्रांसफर करती है। तेज पंखा चलाया था उसकी। जैन भाई बदतमीज, ये बहुत तेज पंखा चलाती है। क्यों उसको तुम तंग कर रही हो? वो बैठी पढ़ती भी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, वो इस टाइम पढ़ती है। वैसे ये ठीक है बिल्कुल, जैसे ही इसको कुछ काम बातों में बिल्कुल नहीं चलाक चलेगा। आज मैं सहरी बनाती हूँ, पता नहीं मैं क्या। राबिया यार आजा मेरे साथ। मैं बहुत प्यारी हूँ। मैं बहुत प्यारी हूँ। इधर दिखाओ, ये ये लो। चांद के घोड़ा चारी कर रहे हैं, सब पता है मुझे क्यों क्या सारा कुछ हो रहा है। हेल्प करो अल्लाह, दुस्ती बीमार। अब झूठी कसम मैं चपेट मारूंगी यहाँ से। चलो इतने सालों से काम कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा गाइड ही कर दो। चलो गाइस मुझे खुद ही सारी बनानी पड़ेगी यार। ये तू हेल्प करा दे, तू भी नींद में थकी। ओए ये गिर गया। मम्मा नहीं तो इसको तो रपर नहीं लगे। मैं ये कहाँ से लेते हैं को। चल वापस। अच्छा यही घूमे। अच्छा चलाक डुडू कहीं का। देखो कैसे वो चलाकों की तरह जाके अपनी जगह पे बैठ गया, फिर दो मिनट बाद गिरेगा। देखो जरा चलाके मार ले। खुद तुम बादामियां खा रही हो। ये बादाम खा के रोजा रख रही हूं। बताओ यार, फ्रिज में ना अंडे वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है, और साथ में स्लाइस भी है, तो अंडा स्लाइस बना देते हैं साथ में। मैं नहीं अंडा खाना। ऐसा करो बाहर से मंगवा लो, छोटे कर लेते हैं इनको, पहले घर में बनाएं। हाँ बाहर रेस्टोरेंट का टेस्ट होगा, और इस टाइम पे कोई देखे अगर टाइम लग गया वो तारे सहरी से पहले बाद में पहुंचा तो मेरी तो तुमने लगवाई ना वाट। सहरी करनी है, सहरी करनी तो कहाँ से आ गई? तुम ना इतना शिकायती टट्टू ना बनो। मैं इसी वजह से बीमार हुई और मैं ये हक के लिए आवाज उठाऊंगी। पहले तुम अपना आराम उठा लो सोफे से, फिर हक के लिए आवाज उठा लो। हाँ कितनी मम्मा पकवा लो।
हर जगह तेरा बापू नहीं आ रही है। मम्मा भाई बहुत कर रही है। तेरा बापू नहीं आएगा थाने पे। जी ये देखा, ये अभी दो मिनट पहले बीमार थी ये लड़की। यार मैं हूँ, मैं अगर बीमारी में हंस खेल रही हूँ तो तुम लोगों को मसला क्या है? तो तुम साथ अपनी चुगलखोर बेबी भी तो तुमने एक्टिव की हुई है। तो पराठे रोला मंगवाना। फिर क्या हमने उस दिन मंगवाया था? बिरयानी खानी सारी में पागल हो। तुम्हारी सारी होगी, चल बादाम और पानी से तुम रोजा रखो, बड़ी बिरयानी का मशरा दे रही, बाद में प्यास लगेगी ना तुम्हारी फुफ्फुस, उसके बाद तुम्हें पता लगेगा। आदमी दो सुबह इतना गया, इसको रोजा लग रहा है, आज के बाद कभी सहरी में पराठे नहीं खानी। यार आप लोग क्या क्या खाते हैं सहरी में, हमें कॉमेंट में बताया, हमें अक्सर सहरी में नहीं समझ आता कि क्या खाया। यार उसको कॉल डायल करो जिसका ऑर्डर करना है, यार जल्दी करो, फिर वो लेट होगा, मुझे टेंशन हो रही। मम्मा ने मुझे आगे बोलना, ऑर्डर करो अपने ना पेट में पागल। देखो क्या ऑर्डर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हमने ना सहरी के लिए सलाम की से भाई। सवैया अवेलेबल है अभी आपके पास? जी मैम सवैया अवेलेबल है। अच्छा और लस्सी? नहीं लस्सी अवेलेबल नहीं है मैम। चने और बिरयानी? चने चने अवेलेबल है मैम। चने चने नान चने सबसे बिरयानी और आपको जो है ये सवैया मिल जाए। ठीक है फिर आप ऐसे करें, छह डब्बे सवैया हो गए और एक बिरयानी। ठीक है पीने में क्या है? क्या चाहिए राव्या? वो पूछ रहे हैं पीने में कुछ। चलिए ठीक है बस आप ही कर दे। ओके उनको भी जल्दी सहरी करनी है, सहरी का टाइम हो रहा, जल्दी से डिलीवर करवा दो। यार एक तो मुझे समझ नहीं आती, जब भी हम ऑर्डर करते ना हमें हंसी क्यों आती है, और इतनी बुरी हंसी लग जाती है कि समझ नहीं आती यार। चलो राबिया को गेन कॉल आ। हेलो मैम आपने एड्रेस तो सॉरी 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 लोकेशन भेजो जल्दी से, चार घंटे गुजरने के बाद उसको याद आ गया कि लोकेशन नहीं पूछी मैंने। सो गाइस ऑर्डर लेने वाला आ गया है, अब कॉल आ चुकी है, और ये हिराक फैसल का जो बैग है ना लेंथ से भरा है। देखती हूँ उसमें है क्या। तुम्हारे बैग में तो पैसे ही नहीं है। मेरे पास आ चुके हैं गाइस पैसे, जो मुफ्त के पैसे होते हैं उनका अपना ही मजा होता है। तुमने कहा था ना बना रही हूं, तो मेरे बेटे पे क्यों डाल रही हो? ये पैसे मुझे अल्लाह की जमीन से मिले हैं। तुमने मेरे बैग से निकाले हैं? यहाँ मुझे अल्लाह की जमीन से बैग मिला था। पूरा बेचारी रो रही है, उसकी तबीयत ज्यादा खराब होगी मुझे लगता है। राबिया ऑर्डर आ गया है ना, सुने उसे ऑर्डर लेके आना, ये पैसे लेके रहो। जिन भूतनी हाँ हो गया चल वो रास्ता देख। मानो देख तू कोई काम नहीं करती है, फिर जाना लेके आ जल्दी जा। दीदी मैं तुझे बाद में दे दूंगी, नहीं दूंगी। चलो जी मानो तुम इतनी लाइट जला के किस लिए? जैनब की एंट्री होनी थी इसलिए मैंने एक जलाई है ताकि प्यारी लगूं। बस तो गिरा ना देना, छोटो मैं ऊपर वाली चीजें पकड़ लेती हूँ। तो हमारी फाइनली ना सहरी आ चुकी है। गाइस आ जाओ, तो इनको मैं एक बाउल में रख दूंगी और मम्मा को कहूंगी कि मैंने बनाई है। ऐसे पकड़ेंगी तुम्हारा झूठ। हमको एक बाउल मिल चुका है, अब इस बाउल में हम अपनी सेवैया बना रहे हैं। इकरा कवल प्रो मैक्स के जुगाड़ चेक करेंगे साथ। ये देखें गाइस ये किस तरह बनी हुई, इसके अंदर ना फ्रूट भी है हीरा, इसके अंदर फ्रूट भी है। लबे शीरी इसको क्या हुआ है? ये इसके ऊपर बैठ गई है। ज़ैनब ज़ैनब पता है ना उसकी तबीयत खराब है, बुखार है। भाई अल्लाह कितनी नखरे दिखा रही है। दफा जो उठाओ इसको, मुझे मैं उठाऊं? राबिया तो एक्सट्रीमली आधी बीमार है आधी नुट। मैं इसके बाजू पकड़ के ऐसे नहीं। ज़ैनब तुमने उसको तोड़ना है? ज़ैनब वो गिर जाएगी। फोन 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 वही उसका सर की लाश इसे झूमर के नीचे मिलती है। ओए उसके बालों से झाड़ू फिर रही है, उसके बालों से झाड़ू दे रही हो। इराबे उठ जाओ, तुम्हारी बाजू असली में निकल जाएगी बेवकूफ एक्टर। यार ये तुम लोग क्या कर रही हो? शांति प्रिया इसी झूमर के नीचे थी इसी। सो फाइनली हमारी ये पता नहीं कौन से जामुन है अंदर, मैंने आधी खोली है। अब इस लड़की से इतना सबर नहीं हो रहा कि मैं थोड़ा वेट कर लूं। ये लबे शीरी है, लबे शीरी अभी मुझे उसको फिल तो करना है, तो तुम पहले खाली करी जाओ। कौन? मम्मी आ गई है गाइस वॉक करके। मम्मा मैंने बना लिया सारी, देखे मेरे हाथ भी गीले हैं सारे, देखे। चले आ जाए फिर खा लेते हैं सारी। टाइम से मैंने लबे शीरी बनाया, मैंने फाइनली जो है ना वो मैंने सामान लगा दिया। अम्मा को बुलाते हैं, मेरी मॉम आके जो है वो बैठ चुकी हैं। ये तुमने बनाया है? ये मान ही नहीं सकते मम्मा, ये खा के तो देखें कैसे। सुबह से तो ऐसी चीजें नहीं मिलती, ऐसी ही मिलती है। हाँ ये मैंने बनाई फ्रूट काट के ना, तो कस्टर्ड डाल के ना अंदर, और सेवैया बना ली है। पापा भी आ गए सहरी करने के लिए। ऊपर से
पता है कहाँ से तुम पकड़ी गई हो कि ये ठंडी क्यों है? हाँ। इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती। या अल्लाह या पकड़ी गई मम्मी। हाँ जी ऑर्डर किया। पापा इस वक्त फुल नींद में और पापा को भी हम यही सारी कराने वाले। इसलिए तो मैं कुछ नहीं कह रही कि मजे की। गाइस हम लोगों ने जो मम्मा के साथ प्रैंक करा था वो प्रैंक तो नहीं हुआ क्योंकि मम्मा को पता लग गया हमने बाहर से ऑर्डर किया, इतना उनको पता लग गया, वरना किचन में से इस वक्त किसी चीज के बड़े मजे किए ना। अच्छी है ना ये? मैंने क्या मैंने तो बिल्कुल नहीं बनाई, मैंने ऑर्डर की है। बिरयानी की समझ नहीं आती मम्मा। ये हीरा ने कहा था कितने दिनों से मम्मी ने घर में बिरयानी नहीं बनाई है तो बिरयानी खाने का दिल चाह रहा है। ये इसने कहा है बिरयानी खानी है। आटा चूरी ये सो गाइस हम लोग रखने लगे हैं अभी इस वक्त रोजा। आप लोगों ने देख लिया करा कबल के अगर हाथ से सैरी करनी है तो ऐसी सैरी होगी बहुत अच्छी, बड़ी बिंदास, बड़ी झकास। पहले टेस्ट तो करूँ बिरयानी है कैसे पता लगे मुझे। आज का रोजे में बहुत प्यास लगी है। मसालेदार है, मजेदार। सेवियां हमने खा ली, ये इफ्तारी में खाएंगे। लेकिन मैं तो आप लोग साथ तो मैं मिर्च मसाले वाली चीज सैरी में नहीं खाती। पापा भी नहीं खाते, पापा भी खजूरें खा रहे हैं। ये दूर के साथ बिरयानी नहीं खाते। अच्छा स्टमक खराब हो गया। चलो क्या तुम उसको तंग कर रही हो, खाना खाने दो उसको। चल जी पापा जो है वो अब नमाज पढ़ के सोने लगे हैं। मुझे आप ही वो देख के क्या कहते हैं। अच्छा पता है सबको अच्छा लगता है ना, कमेंट में बताइए। तो पागल है हाँ। नो नो मेरे वाला नो करो जरा। चल इधर ये दोनों को देखें जरा, शतूत खा रही है सैरी में। सारा दिन मौका नहीं मिलता क्या सैरी में ही खा के मजा ले। मुझे भी दो, रोज ही खाते हैं यार ये। कल ले आई है, मुझे भी दे दो यार। जिसको मीठे इतने मीठे हैं, मुझे भी मीठे मीठे बड़े पसंद हैं। मिठास की तलब है, नेचुरल मिठास की जो एक इंतहा होती है वो इसमें। तो जी गाइस मैं रोजा वगैरह हमने रख लिया है, मैंने नमाज भी पढ़ ली है। जैसे कि आपको पता है कि ताक रातें भी शुरू हो गई हैं, रमजान का आखिरी अशरा है। ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके विर्द करें, जितना हो सके इबादत पे गुजारें। मैंने अपने हिस्से की इबादत कर ली है, आप लोगों की बारी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मेरी आप लोग से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।